हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर राजस्थान का भूगोल, उसमें सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ाई करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग इंडिया स्तर पे भी देखते हैं तो एक बहुत बड़े रोजगार का केंद्र है या उद्योग है, बड़े स्तर पे रोजगार प्राप्त कराता है। तो हम आज राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात करेंगे, जिसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कहते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तात्पर्य है कि कपास की बुनाई, उसकी कताई, उसे धागा बनाना, उससे फिर कपड़े बनाना, फिर उसका डाई यानी कलर कलर करना, फिर उसे कपड़े बनाना, ये सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आती है। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख है। राजस्थान निर्माण के समय यहाँ सूती कपड़े की कुल 7 मिले थी। वर्ष 1983 में इनकी संख्या 28 थी, जो मार्च 1990 में 34 तक हो गई, किंतु 2001 में सूती कपड़े की 22 मिले थी। सूती वस्त्र से जुड़ी हुई सूती धागा बनाने वाली मिल हैं, जिनकी संख्या 50 है। वास्तव में वर्ष 2010-11 में राज्य में सूती वस्त्र निर्माण विषय 69 कारखाने। राज्य में प्रथम सूती कपड़ा मिल 1889 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से ब्यावर में स्थापित की गई, जो कि अजमेर में है। वर्ष 1906 में ब्यावर में ही दूसरी और 1955 में यहाँ तीसरी मिल स्थापित की गई। इस प्रकार ब्यावर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गया। वर्ष 1938 में भीलवाड़ा में, 1942 में पाली में तथा 1946 में श्री गंगानगर में सूती वस्त्र की मिल स्थापित की गई। स्वतंत्रता के पश्चात सूती वस्त्र उद्योग का पर्याप्त विस्तार हुआ। कोटा, भीलवाड़ा, किशनगढ़, जयपुर, उदयपुर, गंगापुर, बांसवाड़ा, आबू रोड, अलवर, गुलाबपुरा, भवानी मंडी, जोधपुर आदि नगरों में सूती वस्त्र मिलें स्थापित की गई। आज ब्यावर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, पाली, उदयपुर, श्रीगंगानगर, कोटा सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया है। राज्य में स्थापित अधिकांश मिलों की मशीनें पुरानी हो जाने से उत्पादन प्रभावित हो रहा है। यद्यपि आधुनिकीकरण के उपाय किए जा रहे हैं, किंतु वे सीमित हैं। वर्ष 2016-17 में राज्य में सभी प्रकार के सूती वस्त्रों का कुल उत्पादन 2487 लाख मीटर किया गया था। आगे हम राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने कहाँ कहाँ हैं, इसको हमें नक्शे के द्वारा भी देख सकते हैं। ये राजस्थान का नक्शा है, इसमें ये ब्यावर है, ब्यावर से शुरुआत होती है। ब्यावर किशनगढ़ अजमेर में है, विजयनगर गुलाबपुरा के बीच में नदी है जो इनको अलग करती है। यहाँ पर भी सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने हैं। भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, पाली और श्रीगंगानगर ये प्रमुख कॉटन टेक्सटाइल के सेंटर है राजस्थान में। तो कौन कौन से कारखाने हैं हम देखते हैं। एडवर्ड मिल्स ब्यावर, कृष्णा मिल्स ब्यावर, महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर, आदित्य मिल्स किशनगढ़, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स पाली, मेवाड़ टेक्सटाइल्स भीलवाड़ा, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स गुलाबपुरा, मॉडर्न ग्रुप भीलवाड़ा, भीलवाड़ा शूटिंग शर्टिंग भीलवाड़ा, राजस्थान टेक्सटाइल भवानी मंडी, रिलायंस कॉमेटेक्स उदयपुर, विजयनगर कॉटन मिल्स विजयनगर, जेसीटी श्रीगंगानगर, उदयपुर कॉटन मिल्स उदयपुर, जयपुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स जयपुर, राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुरा, श्री गोपाल इंडस्ट्रीज कोटा है। स्पष्ट है कि सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र नंबर 1 भीलवाड़ा, नंबर 2 ब्यावर, नंबर 3 गुलाबपुरा, नंबर 4 किशनगढ़ एंड नंबर 5 जयपुर।
यहाँ इस उद्योग का केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन मिलता है। आगे हम बात करते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के लोकलाइजेशन यानी स्थानीयकरण के कौन कौन से कारक हैं जिनसे कोई कॉटन इंडस्ट्री वहाँ पर स्थापित हो पाती है और क्या इसकी समस्याएं हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए निम्न चीज़ें जरूरी है या फैक्टर्स हैं, कारक है जो कि इसकी स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 है कच्चा माल अर्थात कपास की उपलब्धता। नंबर 2 है अनुकूल जलवायु अर्थात नम जलवायु। नंबर 3 है पानी की उपलब्धता। नंबर 4 है शक्ति के साधन। नंबर 5 है सस्ते श्रमिक। छठा है बाजार की सीमितता। सातवा है पूंजी और आठवा है नवीन मशीनों का अभाव। तो पहले कारक के बारे में बात करते हैं, कच्चा माल। राज्य में प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले हैं, जिनसे लगभग 66% कपास की प्राप्ति होती है। अन्य जिलों में अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि है। गंगानगर में कपड़ा मिल के अतिरिक्त अनेक विविंग मिले हैं। भीलवाड़ा में अजमेर जिलों में अधिकांश सूती वस्त्र मिलों का केंद्रीकरण हुआ है क्योंकि इन क्षेत्रों में कच्चे माल की उपलब्धता है। राज्य में सूती वस्त्र उद्योग हेतु तो कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो इससे स्पष्ट है कि गंगानगर में कॉटन मिल जाता है। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा इनमें भी पर्याप्त मात्रा में कपास पैदा होता है, तो उससे उनको कच्चा माल मिल जाता है। नंबर दूसरा कारक है राजस्थान की जलवायु शुष्क महसूस होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग के लिए उपयुक्त नहीं है। अधिकांश कारखानों में कृत्रिम नमी का वातावरण बनाना पड़ता है, इस कारण खर्च अधिक आता है। नंबर 3 है पानी की उपलब्धता। सूती वस्त्र उद्योग में अपेक्षाकृत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। राजस्थान में पानी की कमी है तथा यदा कदा अकाल पड़ते रहते हैं। भूजल भी निरंतर गहरा होता जा रहा है। केवल कोटा क्षेत्र के उद्योगों को चंबल नदी तथा गंगानगर बीकानेर क्षेत्र में नहरों का पानी उपलब्ध है। अन्य क्षेत्रों में पानी नलकूपों तथा छोटे बांध से प्राप्त किया गया है। पानी की कमी सूती वस्त्र उद्योग के विकास में बाधक है। शक्ति के साधन। राज्य में आवश्यकता से कम बिजली आपूर्ति है। अन्य राज्यों से बिजली प्राप्त करने के पश्चात भी पूर्ण आपूर्ति नहीं हो पाती है तथा बिजली संकट बना रहता है। अथवा उद्योगों की बिजली प्राप्त नहीं होती अथवा सीमित मात्रा में प्राप्त होती है, उसका प्रभाव उत्पादन में पड़ता है। पांचवा कारक है श्रमिक। श्रमिकों की उपलब्धता राज्य में है किंतु वे कुशल श्रमिक नहीं है। यद्यपि वर्तमान में स्वचालित मशीनों का प्रयोग अधिक हो रहा है, अतः अपेक्षाकृत कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। छठा कारक है बाजार। उत्पादित सूती वस्त्र के लिए बाजार समस्या नहीं है क्योंकि स्थानीय खपत पर्याप्त है। साथ में अन्य राज्यों को भी निर्यात किया जाता है। बाजार में मुख्य समस्या सिंथेटिक कपड़ों से प्रतियोगिता है जो सस्ते एवं टिकाऊ होते हैं। सातवां कारक है पूंजी। पूंजी निवेश राजस्थान में अपेक्षाकृत कम है। राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। प्रवासी राजस्थानियों को आकर्षित कर यहाँ उद्योग लगाने को प्रेरित कर रही। आठवां है नवीनतम मशीनों का अभाव। वस्त्रों की उत्तम डिजाइन एवं शीघ्र उत्पादन हेतु नवीनतम मशीनों की आवश्यकता होती है। राज्य के अधिकांश सूती वस्त्र मिलों की मशीनें पुरानी हुई हैं, उनका नवीनीकरण अति आवश्यक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि कच्चा माल, अनुकूल जलवायु यानी नम जलवायु, पानी की उपलब्धता, शक्ति के साधन, सस्ते श्रमिक, बाजार की सीमितता, पूंजी, ये सूती वस्त्र उद्योग के स्थान को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। और नवीन मशीनों का अभाव, पानी की पर्याप्त उपलब्धता का अभाव और पूंजी का अभाव, ये सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्याएं हैं। आप सभी ने ध्यान से सुना। आप सभी को धन्यवाद। आज इतना ही।